अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए कुछ तस्वीरें लेकर आई हूँ, कुछ अच्छी अच्छी सी तस्वीरें। उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन सी तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर हमारे पास यहाँ पर है नल। नल पता है ना क्या होता है, सबके घरों में होता है, जिसको खोल के हम हाथ धोते हैं, जिसमें से पानी आता है, ये है नल। एक और तस्वीर यहाँ पर आ गई हमारे पास, जो कि है नाशपाती। नाशपाती तो एक फल होता है, हरे रंग का होता है, मीठा मीठा सा, बहुत मज़े का, तो ये है नाशपाती। फिर यहाँ पे तस्वीर है नाक। नाक तो पता है ना किसको कहते हैं, हमारी बॉडी, हमारे जिस्म का एक हिस्सा होता है जिससे हम सांस लेते हैं ना, सबको पता है, तो ये है नाक। यहाँ पर आखिरी तस्वीर हमारे पास है नौ। जैसे हमने पाँच पढ़ा है, छः पढ़ा है, हिंसों में पढ़ा है ना, तो वैसे ही ये नौ भी एक हिंसा है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ तस्वीरें। अब ये तस्वीरें हमने देख तो ली कौन कौन सी हैं, अब मैं आपको इनकी शुरू की आवाज़ बताती हूँ। इन सारी तस्वीरों की शुरू की आवाज़ है न। और क्या कभी आपने इनको देखा है, मैं दिखाऊँ आपको कैसा होता है। ये रहा यहाँ पर हमारे पास न। अच्छा, अब हमने इनको देख भी लिया है, तस्वीरें भी पढ़ ली, अब हम इससे दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती हम कैसे करते हैं, दो उंगलियाँ मिला के करते हैं ना। नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा, बीच में एक नुक्ता लगाया तो बन गया न। सबको पता है न के बीच में एक नुक्ता होता है। आपको नहीं पता होगा, लेकिन अब पता चल गया होगा कि न के बीच में एक नुक्ता होता है। अच्छा, अब हमने इनसे दोस्ती भी कर ली है, अब मैं आपको सुनाऊंगी एक अच्छी सी कहानी। सुनेंगे? चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। एक दिन नायला अपनी अम्मी के साथ अपनी नानी अम्मा के घर रहने गई हुई होती है, तो वो रात में अपनी नानी से कहती है, नानी नानी, सुबह नाश्ते में मेरे लिए निहारी बनाइएगा नान के साथ। नायला को नानी के हाथ की निहारी बहुत पसंद होती है। नानी कहती हैं, ठीक है नायला, जब तुम सुबह नाश्ते पर आओगी तो मैं तुम्हें निहारी बना के खिलाऊंगी। नायला तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी नानी निहारी बहुत मज़े की बनाती हैं। जब सुबह नायला जल्दी से सो के उठती है और जाके नाश्ते के टेबल पर देखती है, तो उसको गरम गरम निहारी और नान नज़र आते हैं। नायला तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसको ये दोनों चीज़ें कितनी पसंद होती हैं। वो सब नायला अपनी अम्मी के साथ और बाकी सब घर वालों के साथ नाश्ता करती है मज़े से। सबको नाश्ता करने में बहुत मज़ा आता है। नाश्ता करके नाना नायला और बाकी बच्चों से कहते हैं, चलो सब हम मिलकर बाहर चलते हैं। सब बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को तो बाहर जाने का वैसे ही बहुत शौक होता है ना, तो उनको भी बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो सब बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सब मिलकर फिर बाहर जाते हैं। वहाँ जाके वो लोग एक फलों की दुकान पर पहुँचते हैं। देखते हैं वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के फल रखे हुए हैं। नायला की नज़र एक फल पर पड़ती है, जो कि हरे रंग का होता है। नायला सोचती है कि ये फल तो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा, कौन सा फल है ये। नायला सोच रही होती है, उसे समझ ही नहीं आता। वो अपने नाना से पूछती है, बोलती है, नाना ये
कौन सा फल है, मैंने तो आज से पहले कभी भी नहीं देखा। नाना कहते हैं, नायला ये नाशपाती है। नायला कहती है, अच्छा ये नाशपाती है। नाना नायला को नाशपाती लेकर देते हैं। कितनी लेकर देते हैं? 9 नाशपातियाँ लेकर देते हैं नायला को। नायला नाशपाती खाते हुए नाना के साथ चलने लगती है। आगे से वो नारंगी भी लेते हैं। फिर वो सब मिलकर जा रहे होते हैं। नायला नाशपाती बड़े मज़े से खा रही होती है, उसे बहुत अच्छी लग रही होती है। एकदम से चलते चलते पता है क्या होता है, नायला का पैर फिसल जाता है, वो गिर जाती है। नाना तो बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये नायला को क्या हो गया, एकदम से कैसे गिर गई वो। तो वो नायला को उठाते हैं तो देखते हैं उसकी नाक पर तो चोट लग गई है। नाना जल्दी से नायला को अस्पताल लेके जाते हैं। वहाँ जाके नर्स नायला की नाक पर दवाई लगाती है, फिर पट्टी भी कर देती है, तो फिर नायला बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो सब फिर वापस अपने घर आ जाते हैं और मज़े से नारंगी और नाशपाती खाते हैं। ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? अच्छी थी ना कहानी बहुत? अब हम अपनी किताब में भी देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमें कुछ और भी दिया हुआ है। सब अपनी उर्दू की प्रियर 1 की किताब का सफ़ा नंबर 70 खोलेंगे, यानी के 70। अच्छा, यहाँ पे हम अपनी तस्वीरी हिदायतों को पढ़ लेते हैं। पहले पेंसिल फेरिए और रंग भरिए। और यहाँ पर आज की तारीख हमें याद से डालनी है। अब देख लेते हैं सफ़े में है क्या। अच्छा, ये तो वही सारी तस्वीरें हैं जो अभी हमने पढ़ी थी और कहानी में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। एक बार हम इनको दोबारा से पढ़ लेते हैं। नल, नाशपाती, नाक, 9 और ये यहाँ पर है न। अच्छा, अब हमने इससे पढ़ भी लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें बड़ा सा नज़र आ रहा है इसमें हम अपना क्रियाउन फेरेंगे। क्रियाउन हम कैसे फेरते हैं? नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा, बीच में एक नुक्ता लगाया तो बन गया न। अच्छा, अब हमने इसमें क्रियाउन भी फेर लिया अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, ये जो सारी तस्वीरें हैं इनमें हम रंग भरेंगे प्यारा सा, और यहाँ पर फिर हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। ये थी आज की क्लास। मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा कहानी सुनने में। कल मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।